नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जयंती झा और आप देख रहे हैं OMH News। बंगाल में विधानसभा चुनाव आने के साथ ही ममता बनर्जी की पार्टी में इस्तीफों का दौर जारी है। एक के बाद एक कैबिनेट में नेता मंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं। हाल ही में कैबिनेट में पूर्व मंत्री और TMC विधायक लक्ष्मी रतन शुक्ला ने पार्टी में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अब उन्होंने इस चुनावी माहौल में ही एक ट्वीट किया है, जिस ट्वीट के कई मायने राजनीतिक गलियारों में खोजे जाने शुरू हो गए हैं। इस ट्वीट में उन्होंने एक पेंटिंग शेयर करते हुए BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली का आभार व्यक्त किया है और एक सच्चे नेता और कैप्टन की परिभाषा बताई है। अपने ट्वीट में लक्ष्मी रतन शुक्ला ने लिखा है कि एक सच्चा नेता या कप्तान न सिर्फ खुद खेलता है बल्कि अपनी पूरी टीम को भी खेलने योग्य बनाता है। अब राजनीतिक गलियारों में एक तरफ इस ट्वीट को ममता पर निशाना समझा जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर सौरभ गांगुली के साथ मिलकर नई पारी शुरू करने की भी चर्चा शुरू हो गई है। कई दिनों से सौरभ गांगुली और BJP के बीच बंगाल विधानसभा चुनाव में भावी साझेदारी को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी और अब ये अटकलें शुक्ला से भी जुड़ती नजर आ रही है। सौरभ गांगुली अपनी राजनीतिक पारी खेल सकते हैं लेकिन शुक्ला अपनी राजनीतिक पारी को आगे बढ़ाने का मौका खोज रहे हैं। ऐसे में सौरभ और शुक्ला का राजनीतिक समीकरण कहीं ना कहीं जुड़ता नजर आ रहा है और अगर ऐसा हुआ तो ममता बनर्जी को डबल झटका लग सकता है। अगर दोनों खिलाड़ियों ने अपनी राजनीतिक पारी की पहली और दूसरी शुरुआत भाजपा के खेमे में शामिल होकर की तो ममता बनर्जी की इतने दिन से बनाई हुई सभी रणनीतियां फ्लॉप हो सकती हैं। ममता बनर्जी को डबल झटका लग सकता है और BJP बंगाल विधानसभा चुनाव में एक और कदम आगे बढ़ सकती है। हाल फिलहाल इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही खबरों की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही खबर के साथ। धन्यवाद।